Good morning, dear friends, and greetings in the name of Jesus. Once again, it is my privilege to be with you this morning as we share this moment together in the presence of the Lord. और आज की सुबह मेरा सौभाग्य है कि फिर से परमेश्वर ने एक नया दिन हमें दिया और एक मौका मुझे मिला कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखने ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिन की शुरुआत करें परमेश्वर के वचन या उसकी वाणी को सुनते बुक ऑफ 1. और आज का जो मनन है उसे मैंने लिया है उत्पत्ति 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 की पुस्तक उसका अध्याय एंड टाइटल इज टेस्टिंग और आज का जो शीर्षक है मनन का वो है परीक्षा लिया जाना एंड देन ऑल्सो फ्रॉम जेम्सर 1 वर्स 2 एंड 3 और उसके बाद दूसरा वचन भी है इसी मनन के लिए जो की याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय दूसरा और तीसरा वचन आई वॉन्ट रीड दिस और मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं 22वां अध्याय पहले वचन में लिखा गॉड टेस्टेड am. ही रिप्लाइड इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि

दफ योर फेथ डेवलप्स परसिवरेंस एंडिवरेंस मस्ट फिनिश इट्स वर्क सो दट यू मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है एनीथिंग दैट इज नॉट टेस्टेड री वैल्यूबुल और इस बात को अब याद रखिए कोई, कोई भी बात या वस्तु जिसकी परीक्षा ना ली जाए for, उसका कोई मूल्य नहीं for होता। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर विश्वास जिसकी परीक्षा ना ली जाए वो उस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता. An faith is not क्योंकि एक ऐसा विश्वास जिसकी परीक्षा ना ली गई हो वो स्थिर या मजबूत नहीं होता. And no use. और उसका कोई उपयोग भी नहीं क्रिस्टियन फेथ इज कॉल्डिंग फेथ विश्वास को एक जीवित विश्वास कहा गया है And as we know, anything living grows. और जैसा की हम जानते हैं कोई भी बात जो जीवित है वो बढ़ेगी सो दैट मीन्स अव अस्ट बी ग्रोविंग और इसका मतलब ये है की हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए अन वाई ग्रोथ कम स्ट्रेंथ ऑल्सो और और इस बढ़त के साथ शक्ति या मजबूती या सामर्थ्य भी आता है एंड हाउ आवर टेस्टेड और कैसे हमारा विश्वास का परीक्षा होता है इट इज बाई अ क्रिश्चियन इज फॉर्मड और याद रखिए ये तो परीक्षाएं ही है जो एक मसीही चरित्र को सामने ला, अच्छा बनाती है इन ऑर्डर टू अचीव दिस और इस बात को पूरा करने के लिए आई बिलीव गॉड टेस्ट

good Christian character within us. और ये वो तीन ऐसे गुण हैं जिनकी परीक्षा परमेश्वर हमारे जीवन में लेगा ताकि वो हमारे अंदर एक भीतर हमारे भीतर एक अच्छा और स्थिर चरित्र बना सके So this morning we shall consider. टेस्टिंग ऑफ फेथ और आज की सुबह हम देखेंगे किस प्रकार से वो हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ फेथ और याद रखिए विश्वास के दो पहलू हैं व्हाट आर दे वो क्या हैं नंबर 1 पहला फेथ इन्वॉल्व्स फेथफुलनेस याद रखिए विश्वास के अंदर विश्वासी योग्यता जरूरी है नंबर 2 दूसरा फेथ इन्वॉल्व्स ट्रस्ट कि विश्वास में भरोसे की आवश्यकता है एंड लेट अस कंसीडर दैट और आइए हम इन्हें देखें वॉट इज फेथफुलनेस और ये विश्वास योग्यता क्या है and in order to get the answer, इसके ऊपर कि हमें उत्तर या जवाब मिले। and, uh, to, for God to be satisfied, परमेश्वर त्रिप्त किया जाए। you will have to answer these few questions. और कुछ सवालों का जवाब आपको देना है नंबर one क्वेश्चन इज हाउ रिलायबल आर यू कि कितने विश्वास योग्य आप है? And नंबर two, हाउ trustworthy are you? आप कितने भरोसेमंद हैं? एंड नंबर three, हाउ डिपेंडेबल आर यू और आप पर तीसरी बात कितना निर्भर किया जा सकता है एंड नंबर four, और चौथा कैन गॉड count ऑन यू क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है गॉड Abraham. और परमेश्वर याद रखिए परमेश्वर अब्राहम पर भरोसा कर सकता था आई वॉन्ट यू टू लिसन टू गॉड्स ओन कमेंट कंसर्निंग एब्राहम मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को सुने कि परमेश्वर ने खुद

और पृथ्वी के सारे राज्य या देश अब्राहम के द्वारा ही आशीष को पाएंगे फॉर आई हैव चोसेन हिम क्योंकि मैंने उसे चुन लिया सो दैट ही विल डायरेक्ट हिज चिल्ड्रन एंड हिज हाउसहोल्ड आफ्टर हिम टू कीप द वे ऑफ द लॉर्ड कि मैंने उसे चुन लिया कि अपने बाद वो अपने घराने अपने बेटे बेटियों अपने नाती पोतों को इस प्रकार मोड़े कि वो मेरे वचन को अपने हृदय से लगाए रखें बाय डूइंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट और ये करने के द्वारा जो सही है और न्याय है सो द लॉर्ड विल ब्रिंग अबाउट फॉर एब्राहम व्हाट ही हिम ताकि परमेश्वर वो अब्राहम के लिए करने पाए जो वाचा या जो वादा परमेश्वर ने उससे किया सी गॉड न्यू एब्राहम Could answer these questions positively, uh, which will be pleasing to God. और परमेश्वर जानता था कि अब्राहम इन सवालों का उत्तर सकारात्मक रूप से दे सकता है जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करेगा देश विल बी ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ एब्राहम और सारे जो देश हैं वो अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे एंड द रीजन इज और कारण ये है अब्राहम वो डायरेक्ट हिज चिल्ड्रन एंड देन हिज हाउस होल्ड आफ्टर हिम द वेज ऑफ गॉड और ये अब्राहम करेगा कि वो अपने बाद अपने बच्चों और अपने घराने को परमेश्वर के मार्ग और व्यवस्था की ओर मोड़ेगा क्या वो भरोसेमंद था गुड गॉड परमेश्वर उस पर भरोसा कर सकता oh, sure. था हाँ, सही है टुडे थ्री मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड क्लेम दर्ल्ड और आज father. के दिन भी तीन बड़े सबसे बड़े धर्म इस बात की घोषणा करते हैं कि एब्राहिम ही उनके विश्वास का पिता है When of life hit you hard, जब जीवन की परीक्षाएं बड़े भयानक रूप से हमें हमारे सामने आती हैं, क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बने रहेंगे कंसिडर जॉब और अयुब के बारे में आप सोचें। God गॉड confidently testify कंसर्निंग जॉब और परमेश्वर बड़े भरोसे के साथ इस बात को अयुब के बारे में कहता है दिस इज God said कंसर्निंग जॉब और इस बात को अयुब के प्रति परमेश्वर कहता है There इज नो वन upright एंड ब्लेमलेस as my सर्वेंट जॉब और अयुब मेरे दास के जैसा कोई दूसरा दोष रहित और धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं अगेन खुद God trust and rely on Job. क्या परमेश्वर अयुब पर भरोसा और निर्भर हो सकता था? In order to prove this truth. ताकि ये सच्चाई साबित की जा सके. Job forty-two seven and eight. और अयुब

In praying for them. और क्या आप ऐसा in सोच सकते हैं और इस बात को देखते है की परमेश्वर के प्रति गलत बातों की घोषणा करने के द्वारा उनको ताड़ना मिली और उनके ऊपर बीमारियां आई। एंड गॉड सो डिटरमिन्ड दैट ओनली जॉब्स प्रे फॉर देम विल ब्रिंग ही परमेश्वर ने इस बात को निश्चित किया निर्धारित किया कि सिर्फ अय्यूब की प्रार्थना ही उन्हें बचा सकती है इजेकिएल चैप्टर 14 वर्स 14 और इजेकिएल नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 14वां वचन गॉड इंक्लूडेड जॉब अमंग द 3 परमेश्वर ने अयुब को उन तीन सबसे अच्छे और उत्तम उदाहरणों में शामिल किया जो धार्मिकता के हैं इफ यू और अगर आपके पास भी विश्वास है इफ यू और अगर आपके पास परमेश्वर पर विश्वास है यू मस्ट बी फेथफुल टू हिम तब आपको उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना इज

टूडे इज ए गुड डे आज का दिन भला दिन है कंटिन्यू टू 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 लव द लॉर्ड विध यार्ट और इसलिए निरंतर रूप से अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को से प्रेम रखे नो मैटर वट यूर सर्कम स्टार्ट और ये मायने नहीं रखता कैसी परिस्थिति आपकी है रिमेन फेथफुल उसके प्रति विश्वास योग्य बनेव अथ दैट गॉड Is good, और अगर आपके पास यह विश्वास है कि परमेश्वर भला है then trust him उस पर विश्वास in order to experience the goodness of the Lord. कि आप उसकी भलाई को अनुभव कर सके गॉड बिवरफुले और एक अद्भुत दिन आपका जाए Amen. Amen.